फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि कांट हेल्प प्लस आईएनजी फॉर्म को कैसे यूज करना है, यानी स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या यूज है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, बहुत दिलचस्प टॉपिक है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमें अपने लाइफ में हर रोज इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं, मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता हूँ, या वह ताना मारे बगैर नहीं रह सकती है, या तुम झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते हो, या वे लोग चोरी किए बगैर नहीं रह सकते हैं, या तुम धोखा दिए बगैर नहीं रह सकते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता हूँ, वह नहाए बगैर नहीं रह सकता है, वह चोरी किए बगैर नहीं रह सकता है, आप क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकते हैं, वह शराब पिए बगैर नहीं रह सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी चीज के बगैर नहीं रह सकता है, हम कांट हेल्प प्लस आईएनजी फॉर्म के मदद से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, यहां पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है और पहला एग्जांपल है, मैं नहाए बगैर नहीं रह सकता हूं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी आपका सब्जेक्ट है मैं, तो आप लिखेंगे आई। उसके बाद आप लिखेंगे कांट हेल्प। अब इसमें जो एक्शन आया हुआ है आप उसमें आईएनजी फॉर्म के साथ लिखें, और आपका एक्शन है नहाना, तो आप लिखेंगे बाथिंग। नहाने के लिए फ्रेंड्स आप टेकिंग अ बाथ भी लिख सकते हैं, आई कांट हेल्प बाथिंग, मैं नहाए बगैर नहीं रह सकता हूँ, वह हंसे बगैर नहीं रह सकता है, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही। उसके बाद की बगैर नहीं रह सकता है आप लिखेंगे कांट हेल्प। उसके बाद इसमें जो एक्शन आया हुआ है आप उस एक्शन को आईएनजी के साथ लिखें, और आपका एक्शन है हंसना, तो आप लिखेंगे लॉफिंग। वह हंसे बगैर नहीं रह सकता है, ही कांट हेल्प लॉफिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह चोरी किए बगैर नहीं रह सकता है तो आप कहेंगे ही कांट हेल्प स्टीलिंग। अगर आपको कहना हो कि वह झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता है आप कहेंगे ही कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह धोखा दिए बगैर नहीं रह सकती है तो आप कहेंगे सी कांट हेल्प चीटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह शराब पिए बगैर नहीं रह सकता है तो आप कहेंगे ही कांट हेल्प ड्रिंकिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि आप लोग ताना मारे बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप कहेंगे यू कांट हेल्प टांटिंग। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जब कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस कहना हो जहां आप कहना चाहते हैं कि आप यह काम किए बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप कांट हेल्प के साथ आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।